जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। और उसी अभियान में एक और सफलता पाते हुए सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के लवेपोरा इलाके में दो आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। आतंकियों से हुई इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। आतंकियों के छिपे होने की मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने लवेपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया है। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और मामले की जांच चल रही है। श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की घुसपैठ की ये दूसरी घटना है। बीते 31 जनवरी को सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी तीन आतंकियों को मार गिराया था। वो आतंकी ट्रक में छिपकर आए हुए थे और आत्मघाती हमले की फिराक में थे। उनकी कोशिश कश्मीर में घुसने की थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बंद टोल प्लाजा पर श्रीनगर जा रहे एक ट्रक को रोक दिया, तो ट्रक में छिपे आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए इन तीन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। घाटी में आतंकियों की खोजबीन कर उन्हें मौत के घाट लगातार उतारा जा रहा है। सीमा पर भी लगातार चौकसी बरती जा रही है। घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बल लगातार सीमा पर निगरानी बरते हुए हैं, ताकि आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सीमा के अंदर किसी भी आतंकी घटना को अंजाम न देने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।